हनुमान चालीसा की वो चौपाई जिसे सुनकर बड़े बड़े वैज्ञानिक रह जाते हैं दंग। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से हैरान है पूरा नासा। ये चौपाई बताती है सूर्य के अध्ययन की आशा, जिस पर वैज्ञानिकों ने खर्च कर दिए करोड़ और लगा दिया वर्षों का समय। उसे तुलसीदास ने एक झटके में दिया था लिखा। हमारे साथ जानिए पूरी खबर और समझिए कैसे हनुमान चालीसा की एक चौपाई ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को कर दिया पराजित। इस समय दुनिया के तमाम देश सूर्य का अध्ययन करना चाहते हैं, इनमें अपना भारत भी शामिल है। कुछ वर्ष पूर्व वैज्ञानिकों ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए धरती और सूर्य का पता लगाया, जिसमें वर्षों का समय लग गया और करोड़ों रुपए खर्च हो गए। लेकिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का पता चला तो सभी हैरान रह गए। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस दूरी का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों को बहुत मशक्कत करनी पड़ी, वो दूरी पहले से हनुमान चालीसा में लिखी हुई थी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, धरती और सूर्य की दूरी पहले से हनुमान चालीसा में लिखी है। आज हम आपको इसी से जुड़ी पूरी खबर बताएंगे और ये भी समझाएंगे कि ये हनुमान चालीसा में कहां पर लिखा हुआ है। दरअसल जिस दूरी का पता वैज्ञानिकों को कई वर्षों की रिसर्च के बाद लगा, उस दूरी का वर्णन हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत पहले ही कर दिया था। वैज्ञानिकों की माने तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन सैकड़ों साल पहले ही तुलसीदास द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा के एक दोहे में ये बता दिया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी हनुमान चालीसा के इस 18वीं चौपाई में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का वर्णन करते हुए लिखा है, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लील्यो ताही मधुर फल जानू। वैसे ये दोहा अवधी भाषा में लिखा गया है। इस दोहे का हिंदी भाषा में अर्थ निकालें तो अर्थ निकलता है, हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। अब हम आपको इस दोहे की दूरी में बताए गए एक एक शब्द का मतलब समझाते हैं। दोहे में लिखा है, शब्द जुग का मतलब है युग और एक युग में 12,000 वर्ष होते हैं, तो वहीं दोहे में लिखा शब्द एक सहस्त्र का मतलब होता है 1,000। वहीं दोहे में लिखा शब्द एक जोजन को सरल भाषा में योजन बोलेंगे, योजन यानी 8। अब अगर हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दें तो जो दूरी निकलेगी वही पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। तो चलिए हम आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखाते हैं। युग यानी 12,000 मल्टीप्लाई सहस्त्र यानी 1,000 मल्टीप्लाई योजन यानी 8 मील के बराबर सूर्य की दूरी, जो कि 9,60,00,000 मील आएगी। अब ऐसे में आपको लग रहा होगा कि ये तो 96 आ रही है और बताई 15 करोड़ गई है। दरअसल अभी जो आपने कैलकुलेशन निकाला वो मील में निकाला है। जब हम इस मील को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वही दूरी निकल कर आएगी जो वैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई है। जैसा कि एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है, यानी कि 9,60,00,000 का मल्टीप्लाई हमको 1.6 से करना होगा। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 15,36,00,000 किलोमीटर। बस यही वो दूरी है जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हनुमान चालीसा में बताई गई है, जिसको वैज्ञानिक भी सत्य मानते हैं। वैसे हनुमान चालीसा की स्टॉपाई पर आपकी अपनी क्या राय है? क्या वास्तव में जिस पर बड़े बड़े वैज्ञानिक माथा पच्ची कर रहे हैं उसे हिंदू धर्म ग्रंथों में सरलता से लिख दिया गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज़।